फुटबॉल खेलने वाली सबूज लौटे हैं तो क्या हुआ है? चलिए ये पेनल्टी शॉट है, ये मुकाबला मास्टर शॉट अपने को, चलिए हिलने का भी मौका नहीं दिया है भैया पबजी लौटना पड़ेगा। पहली गेंद गोल्डन जीरो, बहुत बड़ा सफलता यहां पे 440 वोल्ट का झटका लगा है। सबूज बैक टू पवेलियन विद गोल्डन डक। दारी मास्टर मास्टर गेंद के साथ शिक्षा दे रहे हैं। फुल टॉस डिलीवरी, सबूज लौटे हैं तो क्या हुआ है? आग लगे चाहे बस्ती में, बिट्टू तो रहेंगे हमेशा अपने मस्ती में। मिला चौका, मास्टर को समझना पड़ेगा, बड़ा मौका है, बड़ा मैच है, बिग मैच में ये गलती बिल्कुल माफी के लायक नहीं है। दूसरी गेंद, पहला चौका, बैट के साथ फिर एक बार बिट्टू, उनके साथ सज्जन नेहरू। अच्छी गेंद, उतना ही तगड़ा फील्डिंग वहां पे। तमन फ्रॉम झारखंड माइथन, माइथन से आने वाला ये खिलाड़ी, माइथन का ये मार्वेलस खिलाड़ी राकेश कुमार। फर्स्ट ओवर की खेल प्रगति पर, पहली तीन गेंद, एक चौका, एक विकेट। मास्टर शॉट ऑफ लेफ्ट की गेंद, चलिए हिलने का भी मौका नहीं दिया है भैया। पबजी और फ्री फायर में AKM बंदूक से जिस तरह से गोली निकलती है, गोली की रफ्तार में मैदान को चीरती हुई, मैदान को आग लगाती हुई गेंद गई है। गलती कम करना उतना ही इंपॉर्टेंट है। दो चौका, कमाल किए शॉट अक्रॉस द लाइन, पीछे कौन? वर्धमान का ये लड़का, वर्धमान का ये मैजिशियन अरुण वर्मा। कमाल की फील्डिंग, डॉट बॉम। पहली पांच गेंदों से 8 रन, एक सफलता। इस गेंद में बिट्टू चाहेंगे चौका, मास्टर चाहेंगे डॉट बॉम। लेकिन मास्टर चाहने से क्या होगा, बिट्टू का मनसा कुछ अलग है, बिट्टू कुछ अलग करने के लिए आए हैं। और ये कहना होगा, अंधेरी रात में कालना के एयरपोर्ट से एयर इंडिया नहीं भैया इमारत का फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी है आउटसाइड कंट्री के लिए। पहली गेंद का डिलीवरी ये देखी है अरुण वर्मा ना, इनको देखेंगे ना, मैं आज तक शायद मेरे लाइफ में कभी इनको मैं मुस्कुराते हुए नहीं देखा हूं। ये एक्सप्रेशनलेस खिलाड़ी है अरुण वर्मा, लेकिन काम भली भांति कर जाते हैं। और स्टंप के काफी बाहर गए, बाहर से इस गेंद को घुमाने को देख रहे थे, लेकिन गेंद घूमी जरूर है लेकिन व्हाइट को बचाने वाली नहीं। व्हाइट बॉल सचान, कमाल की गेंदबाजी, सज्जन को ललचा रहे हैं, सज्जन को लालच दे रहे हैं और सामने खींच रहे हैं। डॉट बॉल, सेकंड ओवर की खेल प्रगति पर, अभी तक 8 गेंदों की खेल से स्कोर बोर्ड में रन संख्या 13, 13 for 1। चलिए ये कमाल की शॉट है, ये मुकाबला की शुरुआत कुछ अलग अंदाज में हुई थी, जैसे पहली बार जब भैया वो मुगले आजम मूवी आई थी ना, वो मूवी भैया हॉल में बिल्कुल नहीं चली थी, लेकिन उस मूवी के जो डायरेक्टर थे उनको पता था ये मूवी पैसा कमाएगा। पहला 2 हफ्ते के बाद इतिहास रचा मुगले आजम ने, और सबूज के आउट होने के बाद ये बारी चली है पूरी तरह से रफ्तार में। फिर एक बार सज्जन नेहरू, हद में रहोगे तो लिहाज देखोगे, पार करोगे तो मेरा मेजाज देखोगे, तो मेजाज दिखाते हुए सज्जन नेहरू मिला चौका, थोड़ा सा महंगा साबित होते हुए। 4 गेंदों में 2 बाउंड्री ऑलरेडी। फिर एक बार चौका, फिर एक बार मिसफील्डिंग, गुस्सा नाराजगी। प्रिंस मैक्सवेल बिल्कुल खुश नहीं है, मैक्सी बहुत नाराज है अपने खिलाड़ियों से। मैक्सी जानते हैं इस तरह के जो मौका है ना, ये मौका आपको हर बार नहीं मिलेगा। बैट के साथ आप रन बनाए या ना बनाए ये फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे फील्डर आपको रन रोकना पड़ेगा। 2 चौका ऑलरेडी मिसफील्ड के साथ।
अच्छी गेंद यहाँ पे चली है, डॉट बॉल। बिंदी गेंद के साथ क्या है, ओवर की समाप्ति। प्रीवियस गेंद में चौका आया, इस गेंद में डॉट बॉल आया, और इसीलिए तो हम कहते हैं कि भैया कर्म भूमि के इस दुनिया में कर्म तो सभी को करना पड़ता है। भगवान तो सिर्फ हाथ में लकीरें देते हैं, रंग तो हमें खुद भरना पड़ता है। तो मिष्टी दोई के भूमि से नहीं, लिट्टी चोखा के शहर से। राकेश व्हाइट बॉल की संकेत आई है, और यहां पर ऑफिशियल देखना चाहते हैं दोबारा, बैरिकेड टच हुआ है कि नहीं ये देखना चाहते। इसको बोर्ड की बात करें, 30-1 राकेश व्हाइट करार देते हुए एक्स्ट्रा के रूप में और एक रन। चलिए लगातार, चलिए अक्रॉस द लाइन, लेकिन पीछे प्रिंस गुस्से के साथ नाराजगी साफ चल रहा है प्रिंस के सकल पर। लेकिन राकेश यहां से गलत शॉट, ये तगड़ा शॉट है, ये हवाई फायर है, बल्ला है, ये तोफ है, गेंद सीधा बाउंड्री रोड के बाहर है। चेंजेस चाहिए, फिर एक बार बिट्टू खुद गिरे जरूर है, लेकिन गेंदबाजों के ऊपर महंगा साबित पड़ रहे हैं। मानो गेंदबाजों को ना पूरी तरह से तितर फितर कर रहे हैं अपने बल्लेबाजी के साथ, लगातार बड़ी जल्दी पोजीशन में आ रहे हैं। और जिस तरह से अक्रॉस द लाइन, जब किसी बल्लेबाज अक्रॉस द लाइन खेल, ये अच्छी गेंद है, चलिए ये कमाल की गेंद है। राकेश भली भांति जानते हैं प्रीवियस मैच में क्या जबरदस्त गेंदबाजी किए थे, और इस मैच में भी चाहेंगे अच्छा गेंदबाजी करने को। राकेश कुमार शॉट देखी है, एक्सक्लूसिव टाइमिंग, अमेजिंग टाइमिंग, टेरिफिक टाइमिंग, ball will race to the right of the boundary line for the four, it's a boundary. क्या गजब का शॉट खेला है, उस शॉट में ना ताजगी ही अलग था। बिट्टू 43 ऑलरेडी 24 पे बैट कर रहे हैं, 6 चौका लगा चुके हैं, और एक गलत शॉट और एक चौका यहां पे। बिट्टू को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। दमदम का वो लड़का यार, इंडिया में ये लड़का भैया जाने को तैयार नहीं है, ये लड़का फ्लाई इमारत में चढ़ना चाहता है, तो फ्लाई इमारत का सवाल ही करके सीधा देश की बाहर दुबई लैंड होने को तैयार है। मिला चौका, पहली गेंद और लीजी है, और एक चौका यहां पे, तो 5 चौका अभी तक छूटता हुआ नजर आया है, 5 चौका छूटता हुआ नजर आया है। प्रिंस अकेला मैदान के चारों तरफ सभी खिलाड़ियों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अगर वो फील्डर साथ नहीं रहना, अगर फील्डर साथ नहीं देंगे तो कप्तान क्या करेगा, गेंदबाज क्या करेगा, फील्डिंग को साथ देना बेहद जरूरी है। स्कोर बोर्ड 51-51 चौथी ओवर की खेल प्रगति पर। जाते हैं ये गजब की बल्लेबाजी की आज बिट्टू अरुण, फिर एक बार चौका, फिर एक बार कड़क शॉट, पूरी तरह से महंगा साबित होते हुए तमाम सभी के पास। अब बिट्टू नहीं, अब सज्जन चल रहे हैं बैट के साथ। यहां पर थोड़ा सा स्लीप हुए हैं, डायरेक्ट ठीक करने का प्रयास, लेकिन डॉट बॉल। जियो का मुकाबला, बहुत सारे लोग, लगभग 1000 लोग हमारे साथ, एक तरफ सच्चा दूसरी तरफ मिट्टू। ये तोहफा है, इस तरह के गेंदबाजी में आपको माफी नहीं मिलेगा। सच्चान जब सेट हो रहा, सच्चान के सामने अगर इस तरह से बॉलिंग करेंगे, ये आंखों में रुमाल बांध के भी चौका मार देंगे। सच्चा लगातार कसम की बल्लेबाजी, क्योंकि नहीं दर्शकों की आवाज सुनिए, गूंज सुनिए, क्या कसम की
निकलो वहां से। भैया मानसून का समय चल रहा है लेकिन आज सुबह से बारिश की दर्शन नहीं मिली हमें, लेकिन बारिश को छोड़िए कालना का मैदान में चौथे का बरसात हो रहा है, ये कहना होगा। सबके बल्लेबाज सच्चा प्यारे 63/1 यॉर्कर डिलीवरी डॉट बॉल, इसी के साथ ओवर की समाप्ति। तो चार ओवर की समाप्ति, चार के बाद 63, तो करेन रन रेट ना लगभग 15.5 का 16 की करेन रन रेट के साथ बल्लेबाजी हो रही है। कालना राजवाड़ी महालया कंपनी पहली गेंद, शानदार गेंदबाजी, अच्छी गेंद यहां पे टाटा डॉट बॉल के साथ शुरुआत करेंगे। गुस्सा नाराजगी सब दिख रहा है लेकिन गेंदबाजी यहां पर अच्छा करना है टाटा को। सामने बिट्टू, चलिए फिर एक बार यहां पर भाग्य का साथ मिलेगा, फिर एक बार मिसफील्डिंग हुआ है और फिर एक बार चौका मिलेगा। नसीब पूरी तरह से बिट्टू सच्चान के पक्ष में। फिर एक बार बिट्टू, फिर एक बार कोई मौका नहीं, अब तो यहां से तमाम सभी गेंदबाजों से खिलवाड़ कर रहे हैं बैट के साथ। लगातार उत्कृष्ट बल्लेबाजी, दिल मांगे मोर टाटा, दिल मांगे मोर टीम मांगे मोर। फिर एक बार चौका, फिर एक बार FOUR। बेहतरीन नॉक खेल रहे हैं इस मैदान पर बिट्टू टाटा। इस बार तुम्हारा देखिए रोका गया है, बहुत देर बाद एक अच्छी फील्डिंग लेकिन नो बॉल, एक्स्ट्रा हाइट और एक्स्ट्रा हाइट के चलते नो बॉल करार दिया है। स्कोर बोर्ड में रन संख्या टोटल 75, 8 गेंदों के खेल अभी भी शेष। चलिए अभी एक बार चौका यहां पे, थोड़ा देर के लिए ऐसा प्रतीत हुआ था कि शायद मैदान के बाहर जाइए गेंद, लेकिन नहीं, और फर्स्ट ओवर से अभी तक जो दृश्य हमने देखा है, बिट्टू बिट्टू बिट्टू, ये नाम इतिहास के पन्नों में लिखा रहेगा। कल सुबह के प्रतिदिन और आनंद बाजार पेपर में ये नाम छपा जाएगा, ये वादे के साथ कह सकता हूं। और इसीलिए कहता हूं दमदम का ये खिलाड़ी, दमदार ये खिलाड़ी, छूछाड़ू ये खिलाड़ी, मानो टीम का नैया को ना जीत का तरकस तक, जीत के किनारे तक लेके पहुंचाया है पिट्टू ने। बनते हुए नजर आए हैं, पहली गेंद फिर एक बार स्टैंड एंड डिलीवर विद द रिदम विद द स्टाइल, अनदर बाउंड्री फॉर सचिन नेहरू। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी, हर गेंद को मैदान के बाहर डिपोजिट किया गया है। सच्चान वापिस जरूर जाएंगे लेकिन निराश होने का कोई जरूरत नहीं है, जो इनिंग्स खेला है सच्चान ने। एक बार जोरदार ताली हो जाए सच्चान के लिए, अमेजिंग इनिंग्स 88/1। और ये देखते भी अच्छा लग रहा है, जो अगेंस्ट टीम के खिलाड़ी है, जो अगेंस्ट टीम के दर्शक भी है, वो भी ताली बजा रहे हैं। यही तो क्रिकेट है ना, इसीलिए तो हम भैया हम भारत के निवासी हैं, हम खेल को तबाह कर दिया अगेंस्ट टीम को। चलिए नवर है, नवर के साथ चौका भी है, अब स्कोर बोर्ड में रन संख्या 88 नहीं 90+ पहुंच जाएगी 93। समा बल्लेबाजी 9-3, गिरने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली है, विकेट सेक्रीफाइस करेंगे, बिट्टू स्ट्राइक में आएंगे, व्हाइट कार्ड देते हुए यहां पे स्कोर बोर्ड में फिर एक बार बढ़ोतरी 94। तो इससे पहले हम बिल्कुल 100 स्कोर देखे नहीं, इससे पहले हम 100+ स्कोर नहीं देखे हैं, अभी भी चार गेंद शेष है, 100+ पहुंचने की बहुत ज्यादा मौका है। क्या हम 100+ का स्कोर देखेंगे या मास्टर के पास वो काबिलियत है इस टीम को 100 के अंदर रोकने का, लेट्स सी। पिट्टू सीधा खेल रहे हैं, अच्छी फील्डिंग, शानदार सेव, दो रन लेना चाहते हैं लेकिन
सबसे इंपॉर्टेंट चीज पिट्टू का स्ट्राइक में रहना है। तुबान लौटेंगे डगआउट की तरफ, लेकिन तुबान जानते हैं पिट्टू आज की इनिंग्स के बारे में जितना चर्चा करेंगे उतना कम, और ये कहना लास्ट पिट्टू ने बकफुट मारा है, पिट्टू ने बकफुट मारा है। तो तीन चीजों को आप कभी छुपा नहीं सकते, लेकिन तीन नहीं हम चार चीजों के बारे में बात करेंगे, सूरज चंद्रमा सत्य टैलेंट। टैलेंट को कभी छुपा नहीं सकता है। चलिए कदमों का इस्तेमाल करने का प्रयास यहां पर स्टंपिंग कमाल की एक ताली है अभिमान पुट्स योर हैंड्स टुगेदर। आज ये खिलाड़ी ने मानो इतिहास की पन्नों पे अपने नाम को लिखा है। सपने तो हर जगह देखा जाता है, लेकिन सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करना पड़ता है। उस मेहनत में अगर लगन हो अगर अंतिम गेंद, अरे भाई साहब अगर आपके टीम के गेंदबाज आके इस तरह के बल्लेबाजी करेंगे ना, तो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज और सोचने के लिए मजबूर होंगे कि हम क्या थे वहां पे। बीजू देवनाथ ने एक्स्ट्रा कवर ड्राइव लगाया, इतना खूबसूरत सा ड्राइव, मानो मुंबई के मरीन ड्राइव से भी ज्यादा प्यारा ये ड्राइव।